वेलकम गाइस, आईटीएल पर वीडियो में पोको का फ़ोन। इसमें अगर आपको हैंग टच की प्रॉब्लम आ गई है तो आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे मैं बता देता हूँ। बहुत इजी है, सेम तरह से प्रोसेस करेंगे तो आप इजीली जो है हैंग टच की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लेंगे। अभी मैं टच चला रहा हूँ तो इस टच में जो है कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा सिवाय इस बॉक्स के। यहाँ पर सिर्फ बॉक्स बनकर आ रही है और ये कुछ ना कुछ बोल रहा है फ़ोन। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। इसमें आपको जो है टू फिंगर का यूज़ करना है। जब आप टू फिंगर का यूज़ करते हैं तो आपकी टच वर्क करने लगती है। ये देखें, अभी टू फिंगर पे जो है हमारी टच चल रही है। ठीक है, ये कितने का मिलेगा? ये वो किसी का फ़ोन का कवर है पुराना। तो यहाँ पे जो है आपको फ़ोन की सेटिंग के अंदर एंटर करना है। तो सेटिंग को हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इस पर हमें डबल प्रेस करना है। डबल प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन हो चुका है, ये अपडेट हो रहा है, इसको अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें जाना है नीचे। यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग मिलेगा, इसको सेलेक्ट करके डबल प्रेस कर दें। ठीक है, डबल प्रेस करने के बाद आपको जो है एक्सेसिबिलिटी में आना है। यहाँ पे इसको आएंगे, इस पर डबल प्रेस कर देंगे। डबल प्रेस करने के बाद ऊपर आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, जर्नल, विजन, हियरिंग और इंट्रैक्शन। आपको जो है विजन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इस पर डबल प्रेस कर देंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका टॉल बैक, इसको आपको सिलेक्ट करना है और इस पर डबल प्रेस कर देंगे। नीचे ये ऑप्शन आएगा आपका, सिलेक्ट करेंगे, डबल प्रेस। नीचे स्टॉप, सिलेक्ट, डबल प्रेस और ये जो है टॉल बैक ऑफ की जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो गई है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।